वायु जी का प्रसंग। रावण ने पंखों को काट दिया। पंखों को काटने के बाद जटायु भीषण पीड़ा के साथ भूमि पर गिर पड़ी। असहनीय शरीर में पीड़ा, असहनीय दर्द और पीड़ा से कहार रहे हैं। लोगों ने, कान भरने वालों ने जटायु जी के कान पे आकर के कहा कि तुम बहुत बेकार आदमी हो, क्यों, अरे क्या मिल गया तुम्हें, रावण से लड़ने की क्या जरूरत थी, रावण आतताई, इतना बड़ा बलवान, शत्रु से तुम्हें लड़ने की क्या आवश्यकता थी। अब लोग पंख कट गए, दिन भर सीताराम 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 करते रहते थे, अब पंख कट गए, अब कौन है तुम्हारे काम आया, ना तो वो राम जी आए बचाने, और लड़ते ना, पंख ना कटते तो तुम कम से कम अयोध्या उड़ करके चले जाते, भगवान मिल ही जाते, कहीं भी मिलते पर मिल जाते, अब पंख कट गए, अब नहीं जा पाओगे, यहीं पड़े रहो, मरो और जाओगे। जटायु जी ने आंखों में आंसू भर के पता है क्या कहा, जटायु जी बोले ठीक हुआ हमारे पंख कट गए। बोले क्यों, बोले पंख रहते तो हमें राम जी के पास जाना पड़ता, अब पंख कट गए तो राम जी को हमारे पास आना पड़ेगा। ये हमारे और आपके लिए शिक्षा है माई बाप, गुरुदेव के शरण में, परमात्मा के शरण में जाओ तो साधन की व्यवस्था की बात नहीं, अगर तुम साधन पर निर्भर रहोगे तो तुम्हें साधन से संपन्न होकर परमात्मा के द्वार पर चलना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम साधना पर निर्भर रहोगे तो फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूछते पूछते राम तुम्हारे घर आए। माता सबरी आहा प्रतीक्षा करती हैं, भगवान की परीक्षा नहीं लेते, हम लोग ना भगवान की परीक्षा लेते, हे बजरंगबली हमारा ऐसा काम करा दे तब हम आएंगे तुम्हारे द्वार, ठटरी के बने काम ना करवाएं तो तुम नहीं जाओ, सिद्धि ना हो नहीं जाओ, काम की पूर्ति ना हो नहीं जाओ, ये शर्त है। हमने कल आपको कहा था ना, प्रेम अशर्त होता है, प्रेम में कोई शर्त नहीं, भक्ति में कोई शर्त नहीं, भक्ति का कोई कारण नहीं, भक्ति ही कारण है, प्रेम में कोई कारण नहीं होता, प्रेम स्वयं अपने आप में कारण होता। उसी प्रकार भक्त को भगवान के प्रति किसी कारण से नहीं जुड़ना चाहिए, गोपियों का कोई कारण नहीं है, तत् सुख सुखित्वम, गोपियों का एक ही कारण है, सिर्फ एक, गोपियां कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसमें तेरी रजा है बस उसी में मुझे मौज है, जो तू चाहे उसी में मुझे आनंद। गोविंद आपको नाचने में आनंद है, खाने में, सोने में, गाने में, आह मेरे माई बाप तत् सुख सुखित्व, जिसमें सुखी हमारे परमात्मा हो वही करो।